आज इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग वोडाफोन आइडिया के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है हम लोग का सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। अब आगे बात कर लेते हैं कि स्टॉक आगे मतलब करना क्या है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहले भी मतलब मैंने देखा हुआ था, यहाँ पे मेरा SL लगा हुआ था। उस टाइम न्यूज आया था जो कोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला, तो उसके बाद से स्टॉक जो है आपका नीचे गिरा था। अब देखिए आज भी स्टॉक आपका क्लोजिंग दिया है। एक बार तो मतलब सुबह में मॉर्निंग में 10% तक भी 9-10% तक चढ़ गया था स्टॉक, उसके बाद क्लोजिंग दिया आपका फाइनली 3.34% में। तो देखिए स्टॉक के ऊपर न्यूज आया था कुछ 30,000 करोड़ का लेके, उसके बाद ही स्टॉक में उतना बड़ा मतलब भागा स्टॉक। अब देखिए आगे करना क्या है स्टॉक में। करना आपको देखिए यहाँ पे देखिए 3 बजे से ये रेजिस्टेंस लिया है स्टॉक का। रेजिस्टेंस आपका वही लगभग आपका, एक मिनट देखते हैं, स्टॉक का रेजिस्टेंस आपका वही 19-20 रुपये के करीब आ रहा है। और देखिए यहाँ पे एक स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जैसे कि देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो यहाँ पे जैसे सपोर्ट के पास आया था उस टाइम हम लोग ने क्या किया था, उस टाइम जो है हम लोग मतलब SL ट्रेड लगा के रखे हुए थे। और यहाँ पे देखिए मार्केट में न्यूज आया सुप्रीम कोर्ट वाला, जैसे न्यूज आया उसके बाद SL वहाँ पे हिट हुआ हम लोग का और फिर स्टॉक नीचे आ गया आपका। जैसे आया यहाँ पे देखिए आज भी यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा वीक बन सकता था, लेकिन हुआ क्या कि आज न्यूज कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गया तो उस बेस पे स्टॉक थोड़ा सा चढ़ा, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं चढ़ पाया। जिस हिसाब से आपका मान लीजिए कि 10% सुबह में मॉर्निंग में ही चढ़ गया था स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग होते होते 3.34% में क्लोजिंग दिया यहाँ पे। तो अभी आगे देखिए करना क्या है। देखिए ये स्टॉक का बेस बना हुआ है यहाँ पे, स्टॉक इसी बेस के अंदर ही काम कर रहा था आपका। मतलब आपका रेंज बता दे तो ऊपर में 19 रुपये का रेंज था और नीचे में करीब आपका 12-13 रुपये का रेंज था। तो जब तक देखिए अभी मान लीजिए थोड़ा सा न्यूज बेस पे स्टॉक चढ़ा है, जब भी मान लीजिए ऐसे ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक पहला, वहाँ से हो सकता है फिर नीचे आए। फ्रेश एंट्री के लिए तो अभी कोई मेरा व्यू नहीं है, हाँ, लेकिन जो लोग के पास है तो वो यहाँ पर होल्ड या एवरेज कर सकते हैं। तो देखिए मेरा मानना है स्टॉक में अभी यहाँ से जाएगा, रिवर्सल लेगा, फिर जब नीचे आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए उस केस में आप यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए बहुत लोग क्या होता है कि न्यूज आने के बाद तुरंत खरीद लेता है। अब देखिए न्यूज बेस पे थोड़ा सा स्टॉक हो सकता है एक आध दिन चल जाए अच्छा खासा, तो वो न्यूज बेस पे चलता है, उसमें हम लोग का टेक्निकल कुछ मतलब मायने नहीं रखता है। तो न्यूज बेस पे वो तो कभी भी देखिए 16% 20% कुछ भी चढ़ सकता है स्टॉक में, तो उसे न्यूज बेस पे ट्रेड नहीं करना है। हम लोग का देखिए यहाँ पे जैसे सपोर्ट टूटा तो उस टाइम फिर हम लोग वहाँ से SL लगा के हिट हो गया, हिट तो हम लोग निकल गए। अब आगे वही करना है। देखिए अभी तो यहाँ पे ट्रेड तो मैं फ्रेश एंट्री मेरा खुद का अगर मतलब बोलना है तो हम ट्रेड अभी नहीं लेंगे, हाँ हम अब बस गाइड कर सकते हैं। अब लेना नहीं लेना है वो आप लोग अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो लेना नहीं है, फ्रेश एंट्री तभी लेना है जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकल जाए, जो कि मेरा आ जाता है अमाउंट करीब 12.5-13 रुपया, तब हम लोग यहाँ से फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि पहले इतना बार सपोर्ट लिया है यहाँ पे स्टॉक 4 बार, तो ये अभी के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। जब तक इसको स्टॉक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप बड़ा टारगेट यहाँ से नहीं अचीव कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए मेरा व्यू है हमको प्रेस एंट्री यहाँ पे करना है नहीं। स्टॉक अगर मान लीजिए चढ़ भी जाता है तो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेगा, हमको पता है रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे आएगा स्टॉक, यहाँ पे सपोर्ट लेना है, तो उस टाइम यहाँ पे प्रेस एंट्री कर सकते हैं। फिर दोबारा जब यहाँ से स्टॉक भागना शुरू करेगा तो अगर रेजिस्टेंस तक तो कम से कम हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके ऊपर अगर भागता है तो फिर वो फिर हम लोग का डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस केस में ऐसे ही अभी कंडीशन है वोडाफोन आइडिया का। अभी देखिए अभी तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे तोड़ा हुआ था, तो अभी इतना इजी नहीं है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऊपर निकल के स्टॉक जो है आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे और अगर मान लीजिए यहाँ का लेवल टूटता है, अब देखिए जैसे ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका 10 रुपया, अगर ये टूटता है तो फिर स्टॉक आपका वही 7-8 रुपये के नीचे में आ जाएगा। अब ये भी कंडीशन है कि यहाँ पे स्टॉक नीचे और बियरिश भी नहीं होना चाहिए, अगर फिर से कुछ न्यूज आ जाता है बियरिश होता है तो फिर स्टॉक वही आपका 7-8 रुपये करीब चल जाएगा नीचे। और ऊपर अगर यहाँ पे 12-13 रुपये क्रॉस करता है मतलब अच्छा वॉल्यूम के साथ, तब स्टॉक आपका जो है रॉकेट बनने का है। नहीं तो अभी देखिए फिलहाल तो स्टॉक एक ही रेंज में यहाँ पे आपका काम करता हुआ लग रहा है। जब तक रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं तोड़ता है ऊपर नहीं निकलता तब तक हम लोग फ्रेश एंट्री का, मैं तो पर्सनली फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं करूँगा। हाँ यहाँ से अगर मान लीजिए ऊपर जाता है स्टॉक रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है सपोर्ट लेने के लिए, इस एरिया में हो सकता है हम लोग मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री लूँगा फॉर द टारगेट ऑफ कम से कम ये रेजिस्टेंस तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है हाई वॉल्यूम के साथ तब हम फिर स्टॉक को जो है SL ट्रेल के साथ पकड़ सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ मतलब 18-20 रुपये के टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। और आज जो तेज़ी बना हुआ देखिए वो सिर्फ न्यूज़ बेस्ड तेजी है, वो भी बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाया। देखिए क्लोजिंग होते होते आपका 3.34% तक में ही आके रह गया है। तो ये न्यूज बेस पे ट्रेड करना नहीं है आपको, मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक का कहाँ पे है, तो उस बेस पे आप खरीदिएगा। सपोर्ट में खरीदिएगा तो रेजिस्टेंस में जाकर आपको प्रॉफिट मिलेगा, सपोर्ट में खरीदिएगा तो रेजिस्टेंस में जाकर प्रॉफिट मिलेगा, उस हिसाब से ट्रेड करना है टेक्निकल देख के। तो ये था टोटल हम लोग का व्यू जो है वोडाफोन आइडिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।